सरकार के आदेश अनुसार मंत्री से मिले कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कैबिनेट मंत्री प्रेम साय टेकाम लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं प्रदेश सरकार के बड़े बड़े फैसले लोगों को बताए गए, जिनमें जन्म होते ही बच्चों को जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति के आधार पर देना, बच्चों प्रति पर्यावरण जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल योजना, इन तमाम मुद्दों को लेकर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की है सुराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। हमारे साथ मंत्री प्रेम प्रकाश साय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये आज वो जन निवारण शिविर में यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह से समस्या यहाँ आई और क्या निराकरण किया गया। सर आज आप सुनवाई में आप बैठे हैं। आज हम लोग अब राजीव भवन में लोगों से मेल मुलाकात एक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ की जो लोगों की जो समस्या है उसमें सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सी समस्या उसमें आई, पालक संघ भी हमको मिला, जो स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्कूल का संचालन करने वाले लोग हैं वो लोग भी हमसे मिले। बहुत से मुद्दों पे हमारी बात हुई है और शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है और शिक्षा विभाग में हम लोग एक नई योजना कर रहे हैं, ग्रीन स्कूल और क्लीन स्कूल। हर स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया जाएगा, हर स्कूल में युवा क्लब का गठन किया जाएगा, इसमें पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत रहें, उसके प्रति जनचेतना रहे, जनचेतना उसमें फैलाई फैलाई जाए और पर्यावरण के लिए हर स्कूल में पेड़ लगाए जाएं और पेड़ लगाने का जिम्मा वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट की रहेगी और उसकी देख रेख वहाँ के टीचर भी करेंगे और जब बच्चा वहाँ से निकले तो पेड़ अगर उसका जिंदा है तो उसको एक एक प्रमाण पत्र उसको मिलना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि आगे भी लोग इसके प्रति सचेत रहें और पर्यावरण के प्रति लोगों को उसमें जन जानकारी भी रहे। पालक जो है स्कूलों की मनमानी से परेशान रहते हैं और सरकार उन पर रोक लगाने के लिए नियामक आयोग की गठन करने की बात कर रही है, और चूंकि शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है तो इस दौरान कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और विभाग फीस नियामक आयोग बनाएगी और उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। कमेटी 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देगी, विभिन्न राज्यों से जानकारी लेकर कि अलग अलग राज्यों में फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं और वहाँ किस प्रकार के नियामक आयोग बनाया गया है, तो सबसे जो अच्छा होगा वो अपने यहाँ एडाप्ट करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे फीस नियामक आयोग बनाएंगे और जो फीस का स्ट्रक्चर है उसमें भी नियंत्रण हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र की बात कही जा रही है, एक पहल के रूप में सामने आ रहा है, क्या होगा इसका स्वरूप? जन्म प्रमाण पत्र भी हम लोग पहल कर रहे हैं, उसका सरलीकरण हो और सरल ढंग से उनको मिल सके, बहुत सी जो दिक्कतें होती है वो परेशानी उनको दूर हो, इस दिशा में सरकार पहल करेंगे। एक क्वेश्चन चलते चलते और आपसे जानना चाहेंगे कि जो अंतर जाति विवाह मामले आते हैं जिसमें अलग अलग माता पिता होते हैं, अलग कास्ट के, इस दौरान किस तरह से अंतर जाति के मामले में चाहे वो आपका एक वर्ग एक एक जो हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अनुसूचित जाति का होना चाहिए। नियम में कह रहे हैं कि पिता मान्य है, अनुसूचित जाति एक एक उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और 1 साल के अंदर विभाग में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी उससे लाभ मिलेगा उसको। तो अभी आपने सुना शिक्षा मंत्री को, जिनका साफ कहना है कि वो बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हैं और हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज। वहीं रायपुर में